हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जो आपका मैकेनिक्स का पेपर है, उसके नोट्स लेकर आई हूँ, जिसमें हमारे पास आज का चैप्टर है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चैप्टर को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं, और इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो दूसरी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से इंग्लिश मीडियम के नोट्स ले सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिंदी मीडियम के नोट्स, जिसका सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भौतिक नियम व निर्देश तंत्र, इसका पहले मैंने आपको सिलेबस दिखाया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने उन नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, और फिर आप उन नोट्स को लें। अब आपने अपना सिलेबस तो देख ही लिया होगा, अब मैं आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर आपके नोट्स खुल गए हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए निर्देश तंत्र जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय, यानी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी बीएससी फिजिक्स का जो मैकेनिक्स का पेपर है, उसमें आपके काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं। तो डेरिवेशंस जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको डेरिवेशन याद नहीं होंगे और समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए आप इस चैप्टर के नोट्स खुद से लिखते जाएँ, स्क्रीन पर से देखते हुए। इस चैप्टर के जो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स इन्हें आसानी से पढ़ सकें, इन्हें समझ सकें। अब इसमें कुछ कुछ आपका थ्योरेटिकल है, तो उनसे आपका शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो आपके लॉन्ग मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, वो डेरिवेटिव वाले ही आएंगे। इसलिए इसमें जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं, सभी अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो फास्ट लगे और नोट्स उतारने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स लिखते जाएं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में एक साथ इन सभी नोट्स को लिख सकते हैं। बाकी इसमें आपके ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं आपको इसके नोट्स खुद से बनाने के लिए कह रही हूँ, ताकि जब आप इसके नोट्स खुद से बनाएंगे तो थोड़ा समझ भी लेंगे। इसके अलावा आपको ये नोट्स तो मिल गए, लेकिन अब ये टॉपिक्स समझने कहाँ से हैं, तो उसके लिए मैंने बेस्ट चैनल फॉर बीएससी फिजिक्स के लिए एक वीडियो बनाई है, जहाँ पर आप यूट्यूब में जो आपके बीएससी फिजिक्स वाले चैनल है, जहाँ से आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप उन चैनल से अपनी बीएससी फिजिक्स की पढ़ाई कर सकें। बाकी इसके अलावा यदि आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को समझना हो, तो आप बस उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करिएगा। एक एक टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो जो वीडियो आपको अच्छी लगे, उस टीचर से आप समझिए और उनका तरीका उस टॉपिक को समझने के लिए अपनाइए। मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाना आपकी बीएससी स्टडी के लिए। फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, सभी के नोट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्हें बाकी के नोट्स चाहिए, वो प्लेलिस्ट चेक करें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है बीएससी से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, आपके प्रॉपर नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल। और हाँ, एक चीज़ और, इन नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करें, ताकि उससे आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं उस चैप्टर को लेके। तो पहले आप सारे नोट्स बना लीजिए मेरे चैनल से, कुछ के मैंने पीडीएफ डाले हुए हैं और कुछ के आपको लिखने पड़ेंगे। नोट्स बनाने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, पेपर पैटर्न देखिए, किस तरीके का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी आपके बीएससी से रिलेटेड डाउट्स हैं यदि कोई भी, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप बीएससी स्टूडेंट स्पेशल वाली प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आई होप आपको ये नोट्स बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि ये नोट्स
बहुत ही मेहनत करके पूरा सिलेबस कवर अप करते हुए नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको इन नोट्स को पढ़ने के अलावा और एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह ना पढ़नी पड़े। यदि आपने ये नोट्स पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो आपका ये पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। यदि किसी भी पेज में कहीं भी किसी भी वर्ड में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो चैप्टर्स आपके बड़े होंगे फिजिक्स के अंदर, यानी जिनकी पीडीएफ काफ़ी लंबी होगी, तो उसका मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कितना थ्योरेटिकल से ज़्यादा पोर्शन इसमें डेरिवेशन का है, तो वो डेरिवेशन तो आपको बिना लिखे याद भी नहीं होंगे, इसलिए मैं आपसे इन नोट्स को लिखने के लिए कह रही हूँ। जिस तरीके से आपको ये नोट्स हेल्प कर रहे हैं, उसी तरीके से और भी स्टूडेंट हैं जो इन नोट्स को चाहते हैं, यानी वो इन नोट्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने नोट्स नहीं मिल पा रहे बीएससी के लिए। काफ़ी कम ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बीएससी के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और यदि करवाते भी हैं तो केवल एक दो चैप्टर के। लेकिन मेरे चैनल पर आपको सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए आप इन नोट्स को, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स जो भी बीएससी कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हों या फिर किसी भी मीडियम से हों, प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ें और अपना स्टडी मटेरियल ले सके बीएससी का एकदम फ्री में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये टॉपिक लिखा हुआ है पृथ्वी के सापेक्ष गति, इसके आगे लिखा हुआ है मोस्ट। मोस्ट है यानी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, और जो आपके पहले के पेपर्स हैं उनमें ये काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट है, तो आगे भी आ सकता है। इस तरीके से जो भी आपके मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने नोट्स में लगाए हुए हैं। ये देखिए, इस वाले टॉपिक में लिखा हुआ है वेरी मोस्ट, तो इसे भी आप अच्छे से करें, क्योंकि इनके डेरिवेशंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही होगा बीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नोट्स पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। बस ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, दो पेज और हैं, अच्छे से लिख लिए होंगे आपने नोट्स। पूरे नोट्स लिखने के बाद एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लें और अपने नोट्स से मैच कर लें, कहीं भी कोई चीज़ छूटी ना हो, कोई भी चीज़ गलत ना लिखी हो आपने, आप अच्छे से इन्हें चेक कर लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके नोट्स यहीं पर ख़त्म होते हैं, ये इसका लास्ट पेज था।